ओके चलो गुड इवनिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का देख रहे थे ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, आप लोग पॉलिटी देख रहे थे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, ठीक है। तो पॉलिटी में जो एक और सेक्शन बचा है, दो सेक्शन था पॉलिटी का, एक तो जनरल सेक्शन जो हम लोग कर रहे थे और एक आपका छत्तीसगढ़ का प्रशासन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पहले टेस्ट का पार्ट क्या गया है, पॉलिटी है और छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन है इस टेस्ट का पार्ट, और दूसरा क्या है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में क्या बचा हुआ है, मॉडर्न छत्तीसगढ़, और यहाँ पर हमको छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आपका दो तीन क्वेश्चन को पहले करेंगे प्रैक्टिस, आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे और उसके स्ट्रक्चर पे चलेंगे, ठीक है। आज ज़्यादा डिस्कशन इधर उधर नहीं लेके जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पे सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना के बारे में लिखिए। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे दो तीन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना के बारे में लिखिए, ठीक है। इस आंसर को आप लोग लिखेंगे 8 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, जैसे वो अभी क्या आया था, COVID-19 कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। तो कोरोना वायरस अब तो चलो वैक्सीन की ओर आ गए, लेकिन कोरोना वायरस पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे तो क्या लगा था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इसको लगाया गया था। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर अगर देखेंगे तो मेन हेड कौन थे, इंडिया लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर को रोल मिला था, कमिश्नर्स वगैरह का यहाँ पर रोल कम था लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल ज़्यादा था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन उसी को हम लोग फ्रेम करते हैं कि एक्सप्लेन, राइट द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, राइट द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज अ डिजास्टर मिटिगेटर, और रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ड्यूरिंग डिजास्टर लिख लीजिए, मिटिगेटर मत लिखिए, ठीक है। आपदा के समय कलेक्टर न्यायाधीश, ठीक है, जिला न्यायाधीश कलेक्टर की भूमिका, कलेक्टर की भूमिका के बारे में लिखिए, ठीक है। ये COVID-19 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्लियर। इस क्वेश्चन को भी आप लोग 10 मार्क्स में फ्रेम करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल एग्जाम के लिए, जो अभी आप लोग मेंस लिखेंगे, ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, फिर से प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, जहाँ पर बहुत सारे नए तहसील बने हैं और बहुत सारी नई नई बॉडीज को बनाया गया है, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन क्या है, विगत वर्षों में, जो पिछला इंग्लिश में बाद में लिखेंगे, लास्ट बनी है, ठीक है, विगत एक साल में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रशासनिक फेरबदल या प्रशासनिक फेरबदल या बदलाव भी लिख लीजिए उसको, प्रशासनिक बदलाव के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो बदलाव में क्या क्या कदम उठाए गए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम लिखेंगे। इन द लास्ट वन ईयर व्हाट ऑल स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या नए नए बदलाव किए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन अभी इस साल आएगा, और इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आएगा, आप देख लेना, भले कि इसको तोड़ के पूछेगा या तो इसको एक साथ पूछेगा, ये क्वेश्चन दिखेगा लेकिन एग्जाम में, अभी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे लॉन्ग आंसर पे, क्योंकि यहां पर भी लॉन्ग आंसर मैक्सिमम कितना होगा, 10 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। तीन, क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर पे लिखेंगे, क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ में प्रशासन को अगर देखते हैं, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट या उसका एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। सो छत्तीसगढ़ में कंप्लीटली अगर देखेंगे रूरल डेवलपमेंट में, तो इस पंचायती राज का क्या इंपॉर्टेंस है,
या कैसे ये आपका करता है रूरल डेवलपमेंट को कराता है उसके बारे में बात करेंगे। सो लिखेंगे क्वेश्चन हिंदी मीडियम पहले। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण विकास में पंचायती राज और पंचायतों की भूमिका स्पष्ट करें। इंग्लिश मीडियम राइट अबाउट द रोल ऑफ पंचायत, इन रूरल डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अभी आएगा सारा पॉइंट्स हमारे दिमाग में खुलेगा, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन को भी आप कितने मार्क्स में लिखेंगे? अगेन इसको लिखेंगे आप 8 मार्क्स पे। आज मैं सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर पे बात करेंगे। आज हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन और आंसर पे ही जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ही उठाएंगे, ठीक है। दो चीजें यहां पर वर्क करती हैं, एक है डायरेक्टरेट और एक और क्या है आपका बताइए, मिनिस्ट्री जो होती है, मंत्रालय चलती है एक तरफ, और एक तरफ आपकी क्या चलती है, सेक्रेटरीट, सचिवालय और मंत्रालय। तो सचिवालय और मंत्रालय के कार्यों में क्या अंतर है चर्चा करें, डिस्कस द डिफरेंस इन वर्किंग ऑफ सेक्रेटरीट एंड डायरेक्टरेट, ठीक है। मंत्रालय मत करिए उसको, निदेशालय करिए, ठीक है, सचिवालय और निर्देशनालय, डायरेक्टरेट एंड सेक्रेटरीट, इन दोनों पे क्लियर है। इसके बाद देखो, अगर छत्तीसगढ़ के प्रशासन को आप लोग पहले तो अच्छे से समझते ही होंगे वैसे भी, तो देखो छत्तीसगढ़ के प्रशासन को हम लोग एक ऑफिसर्स या सरकार के अधिकार के हिसाब से देखेंगे, तो देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं, चीफ मिनिस्टर तो है, ठीक है। और अगर हम लोग इसी को दूसरे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर कौन है, गवर्नर है, क्लियर है। तो इन दोनों को तो आप पॉलिटी में ही तैयार करते हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को हम लोग नॉर्मली पॉलिटी में तैयार करते हैं। फिर इसके बाद चीफ मिनिस्टर के साथ सरकार को चलाने के लिए क्या होती है, चीफ मिनिस्टर की आपकी मंत्रिपरिषद, ठीक है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, क्लियर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं अभी, 13, और 13 लोग हैं। और अपने अंदर छत्तीसगढ़ के अगर प्रशासन को देखेंगे तो लगभग 24 विभाग हैं, 24 डिपार्टमेंट्स आर करंटली रनिंग इन छत्तीसगढ़, 24 विभाग हैं, ठीक है। तो उन विभागों के कार्यों को अभी तक पूछा नहीं गया है किसी भी एग्जाम में, पर अब इन विभागों के कार्यों को पूछने की पूरी चांसेस है, क्योंकि आपका अलग अलग जो बुक्स आ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार अपनी नई योजनाओं की किताब निकाल रही है, उन वो क्या कर रहे हैं, विभाग संबंधित निकाल रहे हैं कि इस विभाग ने क्या कार्य किया, इस विभाग ने क्या किया, इसने क्या किया है, ठीक है। तो विभाग संबंधित भी इस बार थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे, और खासकर जो विभाग को यहां पर पढ़ेंगे वो कौन सा है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मंत्रालय के अंदर का विभाग है। इस बार प्री में दोनों क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया था, दो योजनाएं दिए थे किस विभाग से संबंधित है। तो इस बार आपको थोड़ा सा विभाग को तैयार करेंगे, 24 विभाग है, 24 के 24 नहीं करेंगे तो कौन कौन सा करना है आपको, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके साथ साथ स्वास्थ्य, हेल्थ, ठीक है, पहले बात करते हैं इसके बाद हम लोग इसमें से क्वेश्चन देखेंगे। हेल्थ के बाद छत्तीसगढ़ में अभी आपका सबसे बड़ा दिक्कत कहां पर आ रहा है, फाइनेंसेस में आ रहा है, आर्थिक इसमें, ठीक है। तो हमारा जो क्या है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़, ठीक है, और इसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ में पर्यटन, क्लियर है। सो क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, मैं आपको एक दोनों देखो चारों में आप लोग बस क्या करना, विभाग का नाम डाल देना, ठीक है। जैसे कि अपन टूरिज्म पे बनाते हैं तो टूरिज्म के लिए क्वेश्चन हम लोग इस विभाग के अंतर्गत अगर बनाएंगे तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ में, हिंदी मीडियम पर लिखेंगे, छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विकास विभाग द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा करें, राइट अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन छत्तीसगढ़।
एक तरह ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो बाकियों के लिए भी उसी के तरह का उनका लेवल पे क्वेश्चन बनेगा। तो मैं चारों में एक अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूं, पर इस क्वेश्चन को उसके हिसाब से भी आपको प्रिपेयर करना। कैसे होगा? इसमें हमने क्या किया, पूरा पूछ लिया, संपूर्ण पूछ लिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है, एकदम जनरल क्वेश्चन, चार चार मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है या आठ मार्क्स में भी बन सकता है, ठीक है। राइट अबाउट एनी थ्री स्कीम्स ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किन्हीं तीन योजनाओं के बारे में लिखें। समझ आ रहा है? तो सेम क्वेश्चन किसके लिए फ्रेम हो सकता है? टूरिज्म में भी हो सकता है, हो सकता है ना, और यही क्वेश्चन आपका हेल्थ में भी हो सकता है। मतलब आप एक एक योजना को चार चार मार्क्स में तैयार करो, मेरा ये कहना है, ठीक है। या पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे तो आठ मार्क्स में लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि फ्रेमिंग कैसे हो सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एंगल से आ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आप पॉलिटी में आप प्रिपेयर्ड हैं। गवर्नर से क्वेश्चन आएगा, आप पॉलिटी से प्रिपेयर्ड हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कैसे पूछेगा, कुछ इस तरह से पूछेगा, कहीं ना कहीं उनके डिपार्टमेंट के ऊपर जाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे लेवल में कौन काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। फिर हमारा आता है लोकल बॉडीज, ठीक है, अभी ऑफिसर्स में नहीं जा रहे हैं, तो लोकल बॉडीज सचिवालय, और उसके बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो अगर हम लोग लोकल बॉडी देखेंगे तो यहां पर क्या है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। एक क्वेश्चन मैंने आपको किसके बारे में बताया है, पंचायत। सेम क्वेश्चन किसके लिए तैयार करेंगे, म्यूनसिपैलिटी के लिए भी। और म्यूनसिपैलिटी के लिए जो क्वेश्चन तैयार करिए वो लिखिए, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी पे लिखिए, राइट द रोल ऑफ म्यूनसिपैलिटीज इन द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में म्यूनसिपैलिटी की भूमिका पर चर्चा, भूमिका के बारे में लिखिए, ठीक है। समझ आ रहा है, रोल ऑफ म्यूनसिपैलिटीज इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर है? क्वेश्चंस को समझ के पहले तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग, छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जो क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद देखो जो जनरल क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, प्रीलिम्स आपने दिया तो आपको पता होगा, दो मार्क्स में क्या पूछ लेंगे, छत्तीसगढ़ की जो आपकी क्या है विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, उसमें कितना कितना परसेंट रिजर्वेशन है, ठीक है, तो पता ही होगा। तब उस क्वेश्चन को लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, कि परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन द स्टेट असेंबली कितना कितना है, रिजर्वेशन किस तरह से दिया गया है, SCO, ST और आपका जनरल है OBC, इसमें किस तरह से रिजर्वेशन है, ये तो पता ही है ना, ठीक है। या तो ये पूछ लेंगे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की संरचना के बारे में बताइए, तो आप फिर बता सकते हो कि कितने परसेंट रिजर्वेशन कहाँ पर है, संरचना कैसी है, स्पीकर होता है, क्या क्या है, सब सब तो बता ही देंगे, क्लियर है। तो वो एकदम जनरल क्वेश्चन है। और जो पॉलिटी में क्वेश्चन कर रहे हैं अलग अलग ऑफिसर्स का, जैसे लास्ट टाइम क्या किए थे, एंटी डिफेक्शन, दल बदल कानून, तो उसमें हमने लिखे थे अध्यक्ष की भूमिका, तो वो दोनों के लिए कॉमन होता है, केंद्र में आपका लोकसभा स्पीकर और यहाँ पर अपना विधानसभा स्पीकर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आप एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर और क्वेश्चन लेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो फिलहाल ये छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो प्राइम क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं। एक और आपका टॉपिक इसमें रहता है, फाइनेंशियल तो हो चुका है, छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में आपका लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पॉलिटी, जो पॉलिटी में आपको मैंने बोला था स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना, जनरल क्वेश्चन आएगा वो, तो वो सेम रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, एक वही टॉपिक है छत्तीसगढ़ से संबंधित, और दूसरा टॉपिक नीचे, अच्छा एक और लिख लीजिए, प्रशासनिक ढांचा तो मैंने करवा दिया आपसे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप लॉन्ग आंसर में लिखना, ठीक है, 10 मार्क्स में लिखेंगे जो क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहा हूँ। ई गवर्नेंस इन छत्तीसगढ़,
ई गवर्नेंस इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इन छत्तीसगढ़। बस सिंपल सा एक टॉपिक है ई गवर्नेंस इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस, ठीक है, कि किस तरह से ई गवर्नेंस को सुनिश्चित कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग, क्या वर्क हुआ है, कैसा ई गवर्नेंस रहा है छत्तीसगढ़ में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्य बनने के बाद, ठीक है, ई गवर्नेंस छत्तीसगढ़ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्य गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस, क्लियर है, अजर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट बनने के बाद ई गवर्नेंस संबंधित छत्तीसगढ़ में क्या क्या काम हुए, क्लियर है। एक एक करके सारे क्वेश्चन पे आएंगे और आप लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। चलो तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 मार्क्स का पहला क्वेश्चन क्या था, प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, 8 मार्क्स में लिखना है, राइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना के बारे में लिखेंगे 8 मार्क्स में, ठीक है, और 8 मार्क्स के लिए लिखेंगे और चलो ट्राई करो आप लोग। राइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना के बारे में लिखें। ट्राई करो, हाँ नहीं बताया था ना आपको मैंने, स्ट्रक्चर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा, संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, तहसील कितने हैं, सब रिवेन्यू कितने हैं, उसमें ऑफिसर्स कौन से हैं, किस एरिया पे है, वर्किंग कैसे हो रहे हैं, वही तो लिखना है। ट्रायंगल याद है क्लास का, फर्स्ट क्लास का ट्रायंगल, वही तो आपका बनेगा, और क्या है। ट्राई करेंगे, वेरी गुड, बन रहा है, प्रशासनिक संरचना को पूछा ना, सरकारी मत लिख देना, कई लोग पंचायती लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। सीमा बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या लिखे हो, हाँ ठीक है, इसके बाद जिला, अच्छा देखते हैं, संभाग, संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर, तहसील, तहसीलदार, विकासखंड, विकासखंड और तहसील तो एक ही उल्टा लिख दियो, और तहसील ज़्यादा है, विकासखंड कम है,
अनुविभाग राजस्व भी होता है, एसडीओ रिवेन्यू, तो सब डिविजनल अनुविभाग भी है ना, एक जिला के नीचे अनुविभाग। डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसील और ब्लॉक। नहीं तो स्टेट के अंदर आएंगे ना सारा, तो स्टेट तो आपको ऐसे उसमें लिखोगे नहीं आप। तहसील और ब्लॉक को अलग नहीं, एक ही साथ आते हैं दोनों। ये बनता किसने बनाया? ये है मेन स्ट्रक्चर, ये है और इसको ही समझाना था, ठीक है। तो क्या लिखे हैं गजन फर्स्ट लाइन? कितने स्तरीय है? चार स्तरीय। हाँ पढ़िए पढ़िए। अच्छा उसके लिए बना दिए हो आप। देखो ये ओपनिंग लाइन जो लिखी है ना, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह से मत लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर कुछ पूछा नहीं ना कि प्रशासन के बारे, मतलब प्रशासन को पूछता और उससे कुछ चीज़ को पूछता, तो आपका ओपनिंग लाइन सही था। पर यहाँ डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि है क्या प्रशासन, अब आपका स्ट्रक्चर कैसा है, तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर में आओ, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना गठित की गई है जो नीचे दर्शाए गए हैं। सो छत्तीसगढ़ इज द 4-tier एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विच इज डिपिक्टेड बिलो। आप ये बना देंगे यहाँ पर यूनिट्स और यहाँ पर उसके ऑफिसर्स। तो सबसे पहले 5 संभाग हैं, संभाग में होते हैं संभाग आयुक्त, कमिश्नर, 28 जिले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कलेक्टर। उसके बाद सब डिवीजन, यहाँ पर क्या है? डिप्टी कलेक्टर। और उसके बाद ब्लॉक एंड तहसील, यहाँ पर ब्लॉक और तहसील में आप बताइए अलग अलग। यहाँ पर 146 और 178 ब्लॉक में होते हैं BDO, तहसील में होते हैं तहसीलदार, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये मुख्यतः राजस्व प्रशासन रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट और सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है? आपका तहसील, ठीक है। तो इससे क्या क्या हो रहा है पहले आप संरचना बताइए, फिर इस संरचना से क्या क्या चीजें करते हैं उसको आप यहां पर से दूसरा लाइन खींच के आप बता सकते थे। संरचना के आधार पर ही हम क्या करते हैं, मैन पावर्स को वहां पर भेजते हैं, लोगों को, जिन लोगों को वहां पर लगाना है कार्य का, ठीक है। इसी संरचना के आधार पर कोई भी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, रिवेन्यू कलेक्शन, क्लियर है। तो कॉपी में अगर आपका कुछ इस तरह से, हाँ SDM राजस्व का पार्ट है, बिल्कुल है। हाँ तो मैंने बोला ना आपका डिस्ट्रिक्ट और तहसील जो मुख्यतः राजस्व में कर रहे हैं काम, पूरा नहीं आप बताओ ना कि राजस्व में कौन मुख्यतः काम कर रहे हैं। अब जहाँ संभाग आयुक्त को देखेंगे तो ये तो अपना एक अलग लेवल पे जा रहे हैं, सीधा सेंटर के साथ, मतलब जो अपना स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ इन प्रशासन को सीधा सुनिश्चित करा रहे हैं, जोड़ रहे हैं आपस में।
तो अलग अलग लेवल पे वर्क है, तो जिसका जो जो काम है उस काम के हिसाब से आप बताइए। इस तरह क्या बोल रहा हूँ आपका, अगर कॉपी में कितने लाइन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब आपको कितना लिखना है, 125 वर्ड लिखना है, ठीक है, नहीं 125 नहीं, 8 मार्क्स में आपको 100 वर्ड लिखना है, 100 वर्ड मतलब 10 लाइन के करीब, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखिए कि कैसा है प्रशासन छत्तीसगढ़ का, उसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक संरचना को बना दीजिए बीचों बीच में, यहाँ पर बनाइए या यहाँ पर बनाइए, सेंटर पर बना लो क्योंकि ऑफिसर्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रशासनिक इकाई यूनिट कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपके वहाँ पर अधिकारी कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर इस प्रशासनिक संरचना से कार्य कैसे होता है, ठीक है, तो प्रशासनिक संरचना से मुख्यतः हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, पहला राजस्व प्रशासन, तो उसके लिए कौन कौन काम कर रहे हैं, उसके बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद सेकेंडरी कहाँ पर जाएंगे, फाइनेंस को किस तरह से बांटा जा रहा है पैसे को, ठीक है, जो पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, एक वो चीज़ है, और दूसरा पैसे कैसे दिए जाते हैं, तीसरा पॉइंट योजनाओं का क्रियान्वयन, पॉलिसी को किस तरह से और बेनिफिशरीज किस तरह से सेलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इस आधार पे छत्तीसगढ़ में क्या हो रही है, पूरी की पूरी सरकार एक प्रशासनिक ढांचे के रूप में सरकार चलाई जा रही है, जिसमें मुख्यतः इन ऑफिसर्स के थ्रू इसको चलाया जाता है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से इसको, पहली बात है कि आप उसको बताइए वो क्या है, और साथ ही साथ उसके बेनिफिट्स या उसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, क्लियर है। तो इस प्रशासनिक इकाई से किस तरह से कार्य हो रहा है, और आप कुछ योजनाओं को डाल भी सकते हैं, हाँ अगर जैसे आप लिख दिए क्या कि जैसे लिख दिए यहाँ ब्लॉक, तो ब्लॉक की संरचना कौन करते हैं, केंद्र करते हैं, पर तहसील का जो होता है वो कौन करता है, राज्य करते हैं, तो यहाँ बताओ ना तहसील और बताना वर्तमान समय में तहसील को बढ़ा दिया गया है, अब करंट अफेयर को इंट्रोड्यूस करिए वहाँ पर, जानबूझकर इंट्रोड्यूस करिए, बोलिए बताइए यहाँ पर कि पिछले लास्ट ईयर आपका अभी कुल 28 जिला गठित हैं, जिसमें से लास्ट गठित जिला ये है आपका, और जिलों को देखा जाएगा तो यहीं पर जिला न्यायाधीश और इनको ही प्रमुख बनाया गया है आपका, जो भी कुछ भी आपकी महामारी आती जैसे कोरोना वायरस में देखने को मिला था, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा करंट अफेयर को जानबूझकर अपने आंसर में इंट्रोड्यूस करना होगा। बहुत लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ में करंट नहीं पूछता, करंट नहीं पूछता, पूछता है वो क्वेश्चन, अब उसमें आप इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते वो आपकी गलती है, ठीक है। तो एक आध करंट अफेयर को भी यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस बिल्कुल कर सकते हैं, और जो सही होना चाहिए पॉलिटी के हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है, तो तुक्केबाजी नहीं, जो है एग्जैक्ट उसको बताएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी फोकस कर रहा हूँ, क्लास का पैटर्न यही है, पहले 2 दिन हम लोग पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और 3rd दिन मैंने कहा था ना आपको कि कुछ क्वेश्चंस के लेकर सीधा स्ट्रक्चरिंग को सीखेंगे, तो आप पहले आज स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, आपदा के समय कलेक्टर की भूमिका के बारे में चर्चा करें, राइट अबाउट द रोल ऑफ कलेक्टर ड्यूरिंग डिजास्टर, चलेंगे लिखिए स्टार्ट करिए, रोल ऑफ कलेक्टर ड्यूरिंग डिजास्टर, कलेक्टर साहब को देखेंगे कलेक्टर ड्यूरिंग डिजास्टर, ट्राई करो, नहीं करोगे एकदम फिक्स कर लियो, पढ़े नहीं तो आप लिखो ना डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है काजल, इंटरनेशनल वाला वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे, ज्योग्राफी पढ़े हैं, डिजास्टर पढ़ाया था, तो सोचिए कुछ भी समझ नहीं आएगा तो बताएंगे, पॉइंट में लिखो जितना पॉइंट समझ आ रहा है पॉइंट में लिखिए, ऐसे लिखिए आप अपने मन से पॉइंट, अच्छा ये बताइए कोचिंग ओपन करना था अभी कोरोना के बाद या उसके पहले बंद हुआ था, तो नोटिफिकेशन कहाँ से आया था, कलेक्ट सेंट्रल, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट थी बट यहाँ पर किससे आया, तो निर्देश देगा तो लिखो, हाँ तो वही तो लिखना है, लिखो ना, तो वही तो बोल रहा हूँ लिखो, हाँ और क्या आएगा,
सब चीज किताबों में लिखा नहीं मिलेगा ना, कुछ चीज सोचना भी पड़ जाएगा। ऐसे निर्देश देगा, निरीक्षण करेगा, गाइडलाइन जारी करेगा, बाकी जो करेगा वो तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ वेरी गुड, मैं बताया ना आपका ओपन हो चुका है, बस पुश करने की देरी होती है। निर्वाण मिल चुका है आंसर राइटिंग आपको, बस पुश करने की देरी होती है। वेरी गुड, यही तो पॉइंट है। फाइनेंसेस, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, मैन पावर डिप्लॉयमेंट, बहुत सारा है, आपको कुछ भी लिख सकते हैं। और अब इसको बस हम ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। बना दिए क्या आंसर? बड़ा अच्छा दिख रहा है आपको, गुड। कलेक्टर की भूमिका ऐसे लिख देना कभी, ठीक है? तो इसमें थोड़ा बताओ कैसे कैसे निरीक्षण करेगा, क्या करेगा, सब बताना है, थोड़ा एग्जांपल एग्जांपल दो। पॉइंट्स बन गया साइड हेडिंग, ऐसे योजनाओं का क्रिया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम जैसे लिखो ना। काजल नहीं आ रहे हैं। इशू नोटिफिकेशन गाइडलाइंस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मैन पावर डिप्लॉयमेंट, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, पॉइंट्स तो सही। अच्छा मैं ये तो मैं ही बताया हूँ शायद। ओके अपने ही पॉइंट्स को वेरी गुड दे दिया। नहीं अपने से बनाना है एक पॉइंट कम से कम। सीमा सर, वो हाँ राजस्व अधिकारी होते हैं, घरों का वितरण, क्षतिपूर्ति, फिर जो आप बताए योजना। अच्छा गजन, हाँ गुड, आप पहले वाला वही आंसर क्यों ना। हाँ ठीक, हाँ हाँ नहीं ये तो लास्ट टाइम भी करवाए थे सेम क्वेश्चन, मुझे पता है। चलो देखते हैं इसको, इसको समझने के लिए देखो डिजास्टर से संबंधित क्वेश्चन आपके ऐसे में भी आते हैं, इसलिए इसको पहले समझेंगे कि आपदा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी कोविड 19 पे आ जाएगा, जैसे सर कोविड 19 पे ऐसे आ जाएगा तो उस पर आंसर क्या लिखना चाहिए, कैसे बनेगा, तो ये टॉपिक ऐसा है इसको आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे, बाद में इसको आंसर फॉर्मेट ले जाएंगे, पहले हम लोग उसको नॉर्मल रूप में समझते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, भारत में एक क्या है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये किसके किसके द्वारा दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो आपकी वन मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा इस तरह से बनाया गया है। इसमें यह बताया गया कि किसी भी डिजास्टर को किस तरह से समझना है और कोई भी डिजास्टर आने से आपको किस तरह से काम करना है और कैसे इसको आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये बीच में एक लाइन है, क्लियर है, इस लाइन के हम लोग दोनों तरफ के साइकिल को समझेंगे। इसको बोला गया प्री डिजास्टर, डिजास्टर से पहले, ठीक है, इस वाले को क्या बोलते हैं, प्री डिजास्टर, ठीक है, आपदा आने से पूर्व। इधर आपका क्या आएगा, पोस्ट डिजास्टर, आपदा आने के पश्चात। और ये लाइन क्या सब बता रहा है कि जब आपको डिजास्टर ने हिट किया है, जिस समय आपके क्या हुआ है, कोई भी आपदा आई है, सो ये हो गया आपका ड्यूरिंग डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, क्लियर है। तो आपदा को हम लोग इसको तीन तरह से, अब आंसर देखो कितने आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर प्री डिजास्टर, ठीक है, कोई भी आपदा आ रही है तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। If any disaster is coming, so आप इसके पहले क्या करोगे? वेरी गुड, पहली बात ये होती कि आपको कुछ ऐसा काम करोगे कि डिजास्टर, देखो सीधी बात है, कोई अगर आपदा है तो आपदा तो आ रही है, मतलब वो आएगी, साइक्लोन को आप रोक नहीं सकते, वो प्राकृतिक आपदा है, उसको आप रोक ही नहीं सकते, वो तो आएगी ही आएगी। आप एट बेस्ट क्या कर सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं, कुछ समय उसका प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आपदा के प्रभाव को कब कम करेंगे, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा प्री डिजास्टर पे, जिसको बोलते हैं मिटिगेशन,
आपदा के प्रभाव को कम करना। क्लियर? मिटिगेशन कि आपका डिजास्टर आपको हिट करेगा, पर डिजास्टर हिट करे तो आपको कम से कम डैमेज हो, कम से कम लॉस हो, जिसको बोलते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। इसके साथ साथ उस आपदा के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली बात मिटिगेशन, दूसरा प्रिपेयर्डनेस, तैयारी। क्लियर? कि कैसे उसको प्रभाव को कम किया जा सके, और दूसरा फिर उसके लिए तैयारी करना है, अभी देखेंगे। हाँ, अभी इसको देखते हैं, ठीक है। उसके बाद इस समय तो आपको डिजास्टर ने हिट कर दिया, तो जब आपदा हो रहा है उस समय तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। कुछ आपदा ऐसे होंगे कि उस समय भी आप कुछ कर सकते हैं। फ्लड बह रहे हैं लोग पानी में, तो कोई बोल रहा है मेरा बच्चा नदी में फेंका गया है, उसको तो पकड़ो, तो आप कूद के निकाल रहे हो, सब एक अलग चीज है। वो तो आपदा के समय है, अर्थक्वेक आया तो जब हिल रहा है तब आप थोड़ी निकलोगे मैं बचा लूंगा किसी को, अरे आप ही चले जाओगे, अभी तो आप खड़े रहोगे ना। आपदा हो जाएगा उसके बाद आप कुछ कर सकते हो, तो उस समय तो आपको यही होगा ना, मैं भी दीवार कोने में खड़े हो जाऊं भाई, मैं ना मरूं, मैं बचूंगा तो मैं दूसरे को बचाऊंगा। आपदा तो यही है ना, उसको तो आप नहीं रोक सकते। तो ड्यूरिंग डिजास्टर वहां पर नहीं, लेकिन जैसे ही आपदा खत्म होगा सबसे पहले आपका काम क्या होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं बचाने के लिए, ठीक है। तो एक होता है आपका रिस्पॉन्स और एक होता है रेस्क्यू। तो यहां पर क्या आएगा आपका रिस्पॉन्स आपदा के समय या आपदा के पश्चात, और दूसरा क्या होगा रेस्क्यू, उनको बचाना। अब भाई किसी का बच्चा पानी में डूब गया तो उसको कूद कूद के निकालेंगे, अब पहले थोड़ी निकाल लोगे कि पूरा बाढ़ फट गया है और वहां से कोई डूब गया तो कूद गया सीधा कि हम बचा लेंगे, तो आप भी बह जाओगे। एटलीस्ट फ्लो तो कम हो फिर आप जाके बचा पाओगे। तो एनडीआरएफ की टीम वगैरह बनाए हैं, लेकिन समझना पड़ेगा ना, उनको सीधा नहीं बचा सकते, वो भी बेचारे हैं तो ह्यूमन ही है ना। क्लियर? तो रिस्पॉन्स फिर आपका रेस्क्यू। अच्छा, बचा लिए किसी को बचा लिए, पूरा गले तक पानी भर के दबा दबा के पानी निकाल दिया, तो क्या बोलेगा उठने के बाद? पहला अगर आप ही कहीं पर मान लो कोई बाढ़ हो, कुछ हो, ऐसे होना भगवान ना करे कि भाई उस बाढ़ में डूब गए हो, अब उस आपको उठा के लेके आया कोई बचा के, अब बेहोश हो गए थे, पानी वानी दबा के निकाल दिया मुंह से, पहला कार्य क्या बोलोगे? मेडिकल मांगोगे? इतना दिमाग काम करेगा? नहीं मांगोगे मेडिकल उस समय, वो तो आपको होश आएगा ना, मैं कहाँ हूँ, मेरे घर कहाँ है, घर वाले कहाँ है, ये होगा आपके दिमाग में पहले। मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत दूर की बात है, लिटरली कभी पानी में डूब जाओगे तो बाकी चीज भूल जाओगे, जब जान पे बात आ गई तो फिर मेडिकल फैसिलिटी याद नहीं आती। तो पढ़ाई की है तो पता है कि मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, मेन क्या होगा घर परिवार कहाँ है। तो कोई भी इंसान, देखो डिजास्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो पूरी की पूरी लाइफ में आपने जितना सेविंग किया, कुछ किया, सबको खत्म कर देती है। तो सरकार के पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह आ जाता है कि इस चुनौती से बाहर तो आएंगे, लेकिन इन लोगों को पुनर्स्थापना कैसे कराया जाएगा, रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, ये आपके साइकिल में मेंशन किया गया है कि उनका पुनर्वास कैसे कराया जाएगा, पुनर्स्थापना कैसे कराई जाएगी उनकी चीजों के लिए। तो रिहैबिलिटेशन एक बड़ा फैक्टर है, ये रिस्पॉन्स और रेस्क्यू में ही आ जाएगा, जो आप मेडिकल फैसिलिटी बोल रहे हैं ना वो यहीं पर आ जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अब एक आदमी है, उसका सपोज करो बाढ़ आया था और उसका घर ही बह गया, जितना उसकी सेविंग थी सब चले गई, अब वो तो सड़क पे आ गया, और ना मैं ही तैसी ठहरा ना आप ठहरे कि आप उसको आगे बोलेगा भाई मेरा घर डूब गया, पैसा देते तो नहीं दोगे, चल भिखारी हो गए तू, मजे ले लेंगे। क्योंकि भारत में वो तीन एक बढ़िया बढ़िया लाइन है कि क्या है, एक होते हैं भिखारी, दूसरे होते हैं सन्यासी, और तीसरे होते हैं विद्यार्थी, ये तीनों की इज्जत नहीं होती, ठीक है। तो उसको वो तो उस दिन भिखारी बन गया, तो उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली करना क्या होगा, अल्टीमेटली सरकार ही ऐसे लोगों की मदद कर सकती है ना, भले कि कितना भी गाली का है, दाढ़ी बढ़ाए, कुछ भी करें, पर सरकार के आप हेड हो तो आपको करना पड़ेगा, बात वही है, इसलिए तो बने हो आप हेड। तो कहीं ना कहीं क्या करना होगा, आपको पुनर्वास करवाना ही पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो ये हमारे जिसमें लिखा है क्या ना, मैं भी तीन चार दिन से रिहैब प्रोसेस में ही गुजर रहा था, लग रहा है फ्लो ही नहीं आ रहा था ना, अब आया है। चलो, तो क्या हो गया आपका, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रेस्क्यू, रिहैब,
ये ओवरऑल बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ डिजास्टर कलेक्टर के लिए वो आंसर के लिए नहीं है आपका, ये ऐसे में भी काम आएगा आपको, हर जगह काम आएगा ये, ठीक है। तो पहले तो इसको समझो कि डिजास्टर आता है, आपदा आती है, तो आपदा प्रबंधन या आपदा को कैसे समझना है। तो किसी भी आपदा को हम लोग इतने लेवल पे समझेंगे, ठीक है। अब एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग का क्वेश्चन क्या था, कलेक्टर, कलेक्टर की भूमिका बतानी थी, क्लियर है। या किसी भी ऑफिसर की भूमिका है, या नॉर्मल डिजास्टर पे ही क्वेश्चन आए तब भी, सबसे पहले मिटिगेशन, कोई भी आपदा है तो उसको रोकने के लिए क्या करना है। पहला कि कोई आपदा आती है तो उसकी जानकारी को हम लोग को ग्रहण करना है, हो सकता है हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेंगे। फर्स्ट थिंग आजकल क्या बन गया, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना, प्रौद्योगिकी का जो भी है आपका इस्तेमाल करना। जैसे कि आपका क्या हो रहा है, पहले से ही पता चल जाता है ना, साइक्लोन आता है तो किसी से आ रहा है, वो कैसे पता चल रहा है, कहीं से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ठीक है। कोरोना वायरस आया तो कहीं ना कहीं डायग्नोस करके पता किया गया ना कि हाँ इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, कुछ तो ऐसा बीमारी है जो किसी के टच करने से नहीं है, क्या हो रहा है, आपस में कॉन्टेक्ट में आने से फैल रहा है। पता कैसे चला, टेक्नोलॉजी से ही पता चला, ठीक है, चाहे वो किसी की तरह का टेस्ट करेंगे। तो पहला चीज है कि मिटिगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, क्लियर। तो कलेक्टर क्या करेगा कि उस तरह की जो भी आपकी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसको कम से कम सुनिश्चित कराए उस क्षेत्र पे मिटिगेशन के लिए। और क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ, गजेंद्र, आपदा को के प्रभाव को कम करने के लिए, एक तो कि हम उसकी जानकारी पहले से ग्रहण करें, इसके बाद होगा आपका एक प्लान बनाना, हाँ टीम गठित करना और आपका प्लान बनाना। जो प्लान बनेगा ना कि किसी भी डिजास्टर को रोकने के लिए प्लान कैसे करना है। कोरोना वायरस आया तो पहले दिन से नहीं कूद गए कि वायरस को तो मैं ही खत्म कर दूंगा अपने अंदर लेके, ऐसा तो नहीं हो सकता था कि कूद के पहुंच गए भाई हम ही खत्म करेंगे, कलेक्टर तो नहीं जा सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई नेक्स्ट, पहले तो हमको एक लॉकडाउन लगाना होगा, लॉकडाउन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेट को आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेट के अंदर वो क्षेत्र को देखेंगे जो हॉटस्पॉट है, जहां पर ज्यादा संक्रमित हो रहा है, उस क्षेत्र को देखेंगे जो कम संक्रमित हो रहा है, उसमें जो सबसे कम संक्रमित है। तो तीन लेवल पे उसको तोड़ा गया, रेड ग्रीन एंड ऑरेंज, ठीक है। फिर उसके बाद इसको रोकने के लिए बोलेगा कि नहीं, एयरपोर्ट पे हमको क्या करना पड़ेगा, एयरपोर्ट में क्योंकि मेन दिख रहा है बाहर से आ रहा है, तो एयरपोर्ट को हमको सीज करना है। तो ये सब क्या था, ग्राउंड प्लानिंग था। तो मिटिगेशन के लिए क्या होता है, प्लानिंग, और उस प्लानिंग को कौन करेगा जिला के रूप में, एक जिला में अगर आपदा को रोकना है तो उसकी प्लानिंग कौन कराएगा, कलेक्टर कराएगा। राज्य में कौन करेंगे, मुख्यमंत्री। केंद्र में कौन करेंगे, सीएम, ओ सॉरी आपका प्रधानमंत्री, उनके अध्यक्ष में या कमेटी बनाएंगे या कुछ भी होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ग्राउंड लेवल पे प्लानिंग होगी, ग्राउंड लेवल प्लानिंग, ठीक है, उस क्षेत्र में आप प्लानिंग करेंगे। अभी तो डिपेंड करता है ना कि आपका कितना लाइन मिला, आप क्या लिखोगे, लेकिन हम एक लंबे चल जा रहे हैं। इसके बाद प्लानिंग कर लिए कि हाँ ये चीजें होंगी इस क्षेत्र में, आपका अपने को पता चल गया कि इतने ही एरिया में साइक्लोन हिट करेगा, ठीक है, इतने ही एरिया को हिट करेगा हमको पता चल गया है, तो हमने प्लान कर लिया कि हाँ इतने एरिया में हिट करेगा, जानकारी ग्रहण कर ली सारा का सारा। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे कि इस क्षेत्र में जब साइक्लोन हिट करेगा तो उसके लिए तैयारी करेंगे। तो पहला तैयारी क्या होगा कि यहां से लोगों को कहीं और ले जाकर शिफ्ट करो, जगह को खाली कराओ, होगा ना। तो सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है, उस जगह को खाली कराना। तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे यहां पर, प्रिपेयर्डनेस पे, प्रिपेयर्डनेस में आप कैंप्स बनाओगे, शेल्टर कैंप्स, जहां पर लोगों को रखोगे, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस में क्या होगा कि अब लोगों को वहां से उठाकर कहीं और डाल दिए, पर इसका मत देखो, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग होगा प्रिपेयर, कोरोना के लिए अलग है, मैं भी इसके लिए चल रहा हूं। कोरोना के लिए प्रिपेयर में आप क्या करते, आइसोलेशन होम्स बनवाते कि भाई पकड़ाएगा तो वहां डालेंगे, फिर वो भागेगा और क्या कहलाएगा, तो वो क्या आया था, एक तबलीगी जमात, और फिर तीन महीने बाद सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कुछ नहीं किए, ठीक है। तो वो भारत है, उन मीडिया क्या कवर कर रही है मतलब नहीं है, लेकिन आपको यहाँ प्रिपेयर करना है। तो शेल्टर कैंप्स बनाएंगे, अब शेल्टर कैंप या आइसोलेशन वार्ड कुछ भी बनाओगे, वहां पर किसी को ले जाओगे तो खाना पीना देना है कि नहीं, तो पहले से उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई वहां पर जब होगा तो वहां पर हम कैसे वहां पर फूड सिक्योरिटी या फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फैसिलिटीज कैसे आपको प्रोवाइड करेंगे खाने के लिए या अदर, तो अदर सारे के सारे फैसिलिटीज वहां पर कैसे होंगे,
ठीक है। इसके बाद जैसे साइक्लोन जैसा अगर चीज आया तो यहां पर क्या करेंगे, इसी प्रिपेयर्डनेस के समय में पहले से जो इंडिया की क्या है आपकी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की टीम है, उनके लोगों को वहां पर पहले से भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, टीम या फोर्सेस जो रेस्क्यू करेंगे बाद में उनको यहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। तो मैन पावर डिप्लॉयमेंट स्पेशली दोज हु आर हेल्पिंग इन द रेस्क्यू प्रोसेस, तो एनडीआरएफ की टीम हुई, जो अलग अलग टीम है उनको यहां पर डाला जाएगा, और अदर मैन पावर डिप्लॉयमेंट। क्लियर है? अब कलेक्टर की भूमिका जिला प्रशासन के हिसाब से, ये दोनों समझ आया था, ठीक है। तो यहां पर वो भी क्या करेंगे कि भाई जिले के किस क्षेत्र में है वहां पर कैसे कैसे किस किस को आइसोलेशन वार्ड बनाना है, या किस क्षेत्र में हम कैंप लगवा दें, वहां पर खाना कैसे लोगों को मिलेगा, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी कैसे मिलेगी, कौन से कॉलेज के प्रोफेसर खाली बैठे हैं उनको वहां पर ऑफिसर बना के भेजना है, है ना। दो चार लोग होते हैं भाई कुछ काम नहीं कर रहे, ये सब कर रहे हो टीचर बन के, ठीक है, तो उनको वहां पर भेजेंगे, डिप्लॉय करेंगे भाई खाना पहुंचा। तो कहीं ना कहीं मैन पावर को पूरा का पूरा कौन देखेगा, कलेक्टर देखेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। क्राइसिस मैनेजर जब पूरा का पूरा आपका क्या हो रहा है, संतुलन बिगड़ गया है, तो उसको संभालने के लिए कौन आएगा, जिला लेवल पे कलेक्टर आएगा। क्लियर है? तो ये देखिए कि इस क्षेत्र में वो क्या क्या कार्य करेगा। इसके बाद अब डिजास्टर हो रहा है, तो जब आपके ऊपर प्रभाव चल रहा है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पर आप कर सकते हैं मॉनिटरिंग, सिर्फ और सिर्फ उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कलेक्टर देखेगा पहले, देखो मैंने इतना काम करके रखा है, अब आने देते हैं कि हम कितने लोगों को बचा पाए, इस साल का आपका राष्ट्रपति मेडल मिल रहा है कि नहीं, दो चार मर गए तो खत्म राष्ट्रपति मेडल, पूरे बच गए तो राष्ट्रपति मेडल मिल जाता है उस साल। तो यहां पर खड़े होकर क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्लियर? पर जैसे ही खत्म हो गया फिर आएगा फोन, पूरे जगह से फोन आने लगेगा, मेरा बेटा सुबह से लापता है, कि बोल रहे हैं कि रात को लापता हुआ है, बोले रात वाला अरे अभी आया भूकंप सुबह, तेरा रात को लापता है उसकी गलती है, उसको नहीं बचाएंगे, सुबह वाले को बचाएंगे जब भूकंप आया था तब का। तो उसके लिए हम क्या चल रहे हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रोसेस होगा कि लोगों से जुड़ेंगे, रिस्पॉन्स होगा एक प्रकार का कि लोगों को मतलब कम से कम बताएं कि हाँ इतने लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, इस क्षेत्र में एरिया में दिक्कत हुआ है, टीम्स को सही जगह में भेजें, तो एक प्रकार से रिस्पॉन्स दिया जाएगा उसके लिए पूरा मॉनिटर करके जितने लोगों का भी है। उसके बाद क्या चालू होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन, जो मरे उनको भी निकालो, जो बच गए जिनका बहुत सारा चीज